नमस्कार, मैं प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस के अंदर अब भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि विरोधी खेमे के लोग ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। इस बीच गया से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कैंडिडेट व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जीतन राम मांझी ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया है। मांझी ने कहा है कि टूट कर बिखर जाएगा विपक्षी अलायंस। क्या कह रहे जीतन राम मांझी, जरा वो सुनी। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि हम लोग एनडीए का कार्यालय यहाँ पर आज शुभारंभ कर रहे हैं और हम लोग एक पावन मुद्दा को लेकर के चल रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनावेंगे और बिहार से 400 सीट देंगे। उसी क्रम में हम लोग अपनी तैयारी के लिए, सुसंगठित आगे कार्य करने के लिए आज हम लोग कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें सभी एनडीए के साथी, पांचों दल के लोग यहां पर उपस्थित हैं और आज से रहना शुरू कर देंगे। हर तरह का काम जो संगठन का होता है, चुनाव प्रचार का होता है, उसको हम लोग करते रहेंगे। और बाकी बात जो आप लोग कह रहे हैं, उस बात के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, कौन किसको कितना सीट दिया, क्या दिया। उन लोगों में तो मतभेद शुरू से रहा है, आज भी है। आज दिखावा के लिए भले वो कर रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग कर लिया, लेकिन वो अंदर अंदर आपस में लड़ते रहेंगे और लड़ करके बिखरते रहेंगे। और यही कारण है कि आज जो सशक्त विरोधी का एक पाठ होना चाहिए था, वो भी आज वो हिंदुस्तान में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सभी काम हमारे एनडीए के नेता लोग अच्छा से कर रहे हैं और देश में परमानेंट और अस्थाई सरकार के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं और देश को उन्नति के रास्ते पर लिए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 2014 के पहले 12-13 स्थान पर था, आज हम लोग 5वां स्थान पर आ गए हैं। और ये पक्का निश्चय है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि आगे एक दो वर्ष के अंदर संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और इसी के लिए हर जनता, हर लोग, तबके के लोग आज उत्साहित है कि एनडीए का उम्मीदवार जीते, एनडीए का 400 सीट बिहार में मिले और भारत का पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो देश की ख्याति को और रोशन करें और संसार का अग्रगणी देश हिंदुस्तान बने। यही एक तमन्ना है और गारंटी भी है कि कुछ दिन के अंदर हिंदुस्तान संसार का अग्रणी राष्ट्र बनेगा। इसके लिए हर भारतवासी जो मतदाता हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं कि सब आपस में जो कहीं भेदभाव है मिटा कर करके एनडीए के जीत सुनिश्चित करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहां कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो गया लोकसभा सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा व एनडीए के कैंडिडेट जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ताबड़तोड़ प्रहार जारी रखे हैं इंडिया अलायंस पर। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।